Welcome again students, welcome in OGI video classes. Now we are going to discuss next topic from the C language subject, chapter number 2, summation of set of numbers. मतलब एक कई सारे नंबर का समूह हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसको हम एल्गोरिथम देखेंगे और साथ ही साथ इसका प्रोग्राम कोड भी देखेंगे, जिससे कि हम दोनों चीज़ें बेहतर से समझ पाएँ. और ये चीज़ जो है इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए है, जो ये कहते हैं कि हमें सी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो इसको ध्यान से सुने और समझें. और अगर कोई क्वेरी आए तो आप हमसे लिखकर व्हाट्सएप पर या कमेंट करके हमसे पूछें, अगर फिर भी रिप्लाई ना मिले तो कॉल ज़रूर करें, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व आउट किया जा सके. तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम एल्गो को समझेंगे, फिर कोड को समझेंगे, जिससे कि आपको दोनों चीज़ें बहुत बेहतरी से समझ में आए. सबसे पहले करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था, मैं फिर बता देता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो सी लैंग्वेज में तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पर स्टेप बाय स्टेप उसे पहले सबसे पहले समय बिताना चाहिए, पूरी स्टेप बाय स्टेप उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए. फिर हमें ये माइंड लगाना चाहिए कि अगर हम प्रॉब्लम को अपने डिजायरेबल रिजल्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, तो उन स्टेप को बाय पेन लिखना चाहिए. या और इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंप्यूटर की जरूरत जब भी पड़ती है जब स्टूडेंट को अपनी कोडिंग करनी होती है, उससे पहले कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले एल्गो पर अपनी नज़र डालेंगे, देखें क्या लिखा है स्टेप वन में. बिगिन, सबसे पहले एल्गो को शुरू करने का पहला जो स्टेप है वो बिगिन ही होता है, याद रखें. रीड एन नंबर्स टू बी सम्ड, जितने नंबर हमको ऐड करने हैं, रीड एन नंबर्स, एन मतलब नंबर ऑफ नंबर्स, जितने हम चाहें उतने नंबर हम ऐड कर सकते हैं, ये दूसरी पोजीशन हो गई, स्टेप हो गई. फिर इनिशियलाइज सम एज जीरो, यानी कि जो सम नाम का एक वेरिएबल इसमें आप यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इन नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो हमें कहीं बॉक्स में रखना भी पड़ेगा, समझ गए, तो इनको रखना भी पड़ेगा. अगर हम आपको इसको चित्र के माध्यम से समझाएं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नंबर हैं बहुत सारे, यूज़र ने इनपुट किए हैं, मान लीजिए 2 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरीके से ये बहुत सारे नंबर हो गए. अब इन नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, हमसे कहा गया कि इन नंबर का जो सेट है उसको कहीं रखो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे कंटेनर की जिसमें बहुत सारे बॉक्स हों, ऐसे कंटेनर की जिसमें बहुत सारे बॉक्स हों, क्योंकि हम सारे नंबर को इकट्ठा रख सकते हैं बट फिर भी अलग अलग सेक्शन के रूप में उन्हें रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें एरे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है एक वेरिएबल में केवल एक ही नंबर आप रख सकते हो, लेकिन हमें तो बहुत सारे वेरिएबल लेने पड़ेंगे अगर हमें बहुत सारे नंबर ऐड करने हैं, तो इससे सरल बढ़िया ये है कि हम एक ऐसा वेरिएबल बनाए जिसमें बहुत सारे नंबर रखने की कैपेसिटी हो, और ऐसे वेरिएबल को या ऐसे डेटा टाइप को हम एरे डेटा टाइप कहते हैं. तो इसके लिए हमें एक एर नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसका मेमोरी साइज हम दे देंगे कि भैया अपने अंदर 100 वैल्यू रख लो या 10 वैल्यू रख लो. तो मान लीजिए हमने एक ऐसा वेरिएबल ले लिया जिसमें 100 ब्लॉक बन जाएंगे, हम आपको यहाँ पर 100 ब्लॉक नहीं बना के दिखाएंगे, सिर्फ आपको इस दिखाएंगे जैसे एर 1, एर 2, एर 3, एर 4, यानी कि एरे की पोजीशन नंबर 1, एरे की पोजीशन नंबर 2, एरे की पोजीशन नंबर 3 और एरे की पोजीशन नंबर 4. वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो हमारा एर ही है, लेकिन इसमें मेमोरी ब्लॉक्स कितने हैं, 100, इसमें से हमने यूज कितने किए हैं, 4, कौन से, जैसे एक हमने नंबर लिया 2, एक लिया 6, एक लिया 8 और एक लिया 10, ये हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स लिए हैं. अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो वही चीज़ अब हम फिर से अपनी एल्गोरिथम में पहुंच जाते हैं. क्या कहा था कि इनिशियलाइज सम एज जीरो, सम में क्या डाल दो, जीरो, तो सम में जीरो डाल देंगे, क्योंकि जब सम नाम का जो डब्बा होगा कंटेनर होगा उसमें जो पहली वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी. उसके बाद इनिशियलाइज सम एज जीरो सेकेंड में, फोर स्टेप में है. इनिशियलाइज काउंट एज वन, यानी कि काउंट नाम का एक ऐसा वेरिएबल होगा जो गिनती करेगा कि हमारे पास यूजर ने 10 नंबर इनपुट किए हैं या 20 किए हैं, तो उनकी गिनती भी तो रखनी है, कि अगर गिनती नहीं रखेगा तो ऐसे तो वो सम करने के लिए
कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो इसलिए हमें गिनती भी रखनी पड़ेगी कि हमने मान लो कीबोर्ड से 5 इनपुट नंबर किए हैं तो 5 ही नंबर ऐड हों, उसके लिए आगे प्रोग्राम हमारा रन ना हो, तो इसलिए हमें ये भी गिनती रखनी पड़ेगी, काउंट रखनी पड़ेगी। तो काउंट को हम इनिशियलाइज करते हैं 1। उसके बाद व्हाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू n, n क्या है, n वो नंबर है जिसमें हमने यूजर को कहा था कि आप कितने नंबर इनपुट करना चाहते हो वो संख्या इनपुट करो। मान लो यूजर इनपुट नंबर करना चाहता है 10, तो n में क्या है 10, तो यूजर केवल 10 ही नंबर इनपुट कर सकता है। फिर तो यूजर क्या करेगा, नंबर अपने इनपुट करेगा, फिर रीड द नंबर एट पोजिशन काउंट, काउंट की पोजिशन देखो मैंने बता रखी है। यहाँ पर क्या है, हमने एरे को लिया है एरे को, और एरे में यहाँ पर हमने काउंट को पास किया है जो कि हम आपको प्रोग्राम में समझाएंगे। तो यहाँ पर टू की जगह पे काउंट शब्द लिखा होगा, काउंट शब्द नहीं तो काउंट वेरिएबल, उसके अंदर ये टू होगा, ये आप अच्छे से समझ लें, उसके अंदर ये टू होगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ओपनली ये लिखा हुआ है, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे मैंने लिखा एर काउंट, इसके अंदर आएगा काउंट और ये, और पोजीशन क्या होगी 1, लेकिन इस काउंट के अंदर क्या होगा, इस काउंट के अंदर होगा 2। तो ये स्टूडेंट आपको समझना है, क्योंकि आपको दोनों बातें जब ओपनली मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे, फिर आपको ये चीज भी समझनी है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस काउंट के अंदर 2 रखा हुआ है। फिर आगे अपडेट द करेंट सम बाय एडिंग टू इट द नंबर रीड, जितने नंबर आपने रीड किए हैं उतने नंबर को आप ऐड करते चले जाएं। उसके बाद में ऐड 1 2 काउंट, काउंट को हमें इंक्रीमेंट भी करना है, क्यों, क्योंकि यूजर ने अगर मान लीजिए काउंट अगर इंक्रीमेंट ना हुआ, काउंट की वैल्यू ना बढ़ी, तो क्या होगा, आगे वाला नंबर ऐड नहीं होगा, इसलिए उसको भी बढ़ाना है। उसके बाद राइट द सम ऑफ एन नंबर्स, जितने भी नंबर हमने इनपुट किए थे, मान लीजिए हमने 4 इनपुट नंबर किए थे, तो चारों नंबर का क्या होगा, हमें प्लस करना है, और प्लस करने के बाद में उसको शो कराना है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टारगेट यही है। तो आइए हम इसको कोड के माध्यम से देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, कोड में हमने एक मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया है, उसके बाद में यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है एन, क्योंकि इन्होंने हमसे एन के लिए कहा था, यहाँ पर जो हमें एन के लिए हमें बताया गया था, ये एल्गो में देखिए एन लिया है हमने, एक एन वेरिएबल ले लिया, उसके बाद में काउंट वेरिएबल, एक काउंट वेरिएबल की बात की थी, ये काउंट वेरिएबल है, ये आपका काउंट वेरिएबल ले लिया, फिर सम, सम को 0 इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज मतलब 0 असाइन करना है इसमें। तो इसके बाद में हमने क्या किया, एक सम वेरिएबल लिया है जो आगे आपके इसी एल्गो में लिखा है, व्हाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू मींस, उसके बाद में ये देखिए सम, सम एक आपका वेरिएबल है जिसको हमने 0 असाइन किया हुआ है, और उसके बाद में एक एरे लिया है, एरे भी मैंने बताया था एरे क्यों लेना पड़ेगा, एरे इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि एरे एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो एक ही जैसे डेटा टाइप को अलग, मतलब एक ही जैसे डेटा टाइप को बहुत सारे नंबर्स को या स्ट्रिंग को अपने अंदर रख सकता है, धारण कर सकता है। तो आइए अब आगे देखते हैं, फिर हमने क्या किया, एंटर नंबर ऑफ नंबर्स, इसका हिंदी में मतलब है संख्याओं की संख्या इनपुट करो, कि कितनी संख्याएं आप इनपुट करना चाहते हो। उसके बाद में सिंपली इसको स्कैन करा दिया, स्कैन कराने के बाद में अगला मैसेज दिया यूजर को, यू कैन एंटर परसेंट डी, परसेंट डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंट डी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एन को, जो आपने ये एन लिया है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर आप इस तरीके से एन लिख देंगे तो यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखेगा कि हमने 10 नंबर के लिए कीबोर्ड से इनपुट किया, तो कीबोर्ड हमसे यानी कंप्यूटर कह रहा है कि आप 10 नंबर अलग अलग अपनी इच्छा के इनपुट करो, तो यहाँ पर क्या होगा 10 नंबर हमें दिख जाएंगे कंसोल स्क्रीन पे। फिर उसके बाद में हम 10 नंबर अपने कीबोर्ड से इनपुट करना चालू करेंगे, क्या एंटर यू कैन एंटर 10 नंबर्स या 5 नंबर्स जितने आपने लिए हों, मैं तो यहाँ पर आपको सिंपली 4 नंबर ही लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझा पाऊँ। मैंने बोला
फोर कीबोर्ड से इनपुट किया और फोर नंबर हमसे मांगेगा, तो पहली बार में क्या होगा, काउंट हमसे जब हमारा पहली बार लूप चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, वन। काउंट को इन्होंने बोला था, ये देखिए हम आपको दिखा दें, इन्होंने कहा था कि काउंट को वन दे दो, तो काउंट को हमने यहाँ पर वन दे दिया है। फिर काउंट लेस देन इक्वल एन, ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है कि काउंट हमारा एन, एन में क्या है, एन में है फोर, एन में क्या है बेटा फोर, तो एन में फोर है तो ये फोर तक ही चलना चाहिए, फोर से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, इसलिए लेस देन यानी कंडीशन दे दी हमने। उसके बाद में इंक्रीमेंट क्यों किया है, इंक्रीमेंट के लिए इन्होंने बोला था एड वन टू काउंट, क्यों, क्योंकि हमें आगे नंबर बार बार ऐड करना है और इनपुट भी कराना, दोनों काम एक साथ कराने हैं। तो फर्स्ट टाइम में जब हमारा काउंट रन हुआ तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी एर की, मैं लिख के बता देता हूं एर, और यहां पर आ गया काउंट, और ये पोजीशन कौन सी है काउंट की, वन। इस पोजीशन पे मान लीजिए हमने डाल दिया टू। उसके बाद में अगली पोजीशन है हमारी फिर से काउंट की, सी ओ यू एन टी काउंट, और ये पोजीशन है टू। इस पोजीशन पे मान लीजिए हमने डाल दिया फोर। उसके बाद में हमने फिर से लूप चला, क्योंकि हर बार में क्या होगा, लूप हमारा इंक्रीमेंट होगा। जैसे फर्स्ट टाइम में क्या, हमने कीबोर्ड से दो इनपुट किया था तो यहाँ पे आया काउंट की पोजीशन नंबर वन पे क्या पड़ गया, टू पड़ गया, ये वाला टू पड़ गया। फिर उसके बाद में काउंट प्लस प्लस हुआ, काउंट प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन सही थी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है काउंट की वैल्यू अभी कितनी हो गई, टू, और टू लेस देन या इक्वल टू फोर होता है, ये हम जानते हैं। तो उसके बाद में फिर से मैंने जब दोबारा लूप चला, स्कैनर फंक्शन फिर से रन हुआ, तो हमने यहाँ पे काउंट की पोजीशन नंबर टू पे एड इनपुट किया है फोर। उसके बाद में काउंट की पोजीशन फिर बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर काउंट की पोजीशन कितनी थी, काउंट की पोजीशन थी हमारी पहले टू, फिर ये प्लस प्लस का मतलब होता है बेटा प्लस वन, तो इसमें प्लस वन हो गया तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई थ्री। फिर से यहाँ पे लिखेंगे थ्री लेस देन फोर, यानी थ्री फोर से कम या फोर के बराबर है, तो बराबर तो नहीं है बट कम है, तो कंडीशन सही है। तो फिर से यहाँ पे काउंट की पोजीशन नंबर थ्री पे वैल्यू फिर मांगी जाएगी, तो अब हमने वैल्यू दे दी यहाँ पे सिक्स। उसके बाद में फिर से चला, फिर से काउंट की पोजीशन पढ़ी हमारी, काउंट की पोजीशन अब की आई फोर, और यहाँ पर जब ये चल जाएगा, चल जाने के बाद में अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से इंक्रीमेंट होगा, काउंट की वैल्यू थी थ्री, थ्री वन प्लस फोर, और फोर लेस देन और इक्वल टू फोर, यानी फोर लेस देन फोर तो नहीं होता लेकिन फोर फोर के बराबर होता है, कंडीशन ट्रू है। फिर से हमारा क्या होगा, फिर से वैल्यू हमारी इसमें इनपुट होगी, और अब की मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर थ्री दे दिया, इस तरीके से हमने तीन यानी चार वैल्यू दे दी। अब इनके सम को भी देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम में जब वैल्यू आई थी टू तो इसमें सम में क्या था, जीरो था, और काउंट की पोजीशन नंबर वन पे क्या था हमारा, यहाँ पे हम पोजीशन लिखेंगे और ऊपर वैल्यू लिखेंगे, ये टू, तो जीरो प्लस टू तो कितना हो गया टू। उसके बाद में सेकेंड टाइम में जब हमने फोर इनपुट किया था तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई थी, पहले काउंट बढ़ गया था, काउंट की पोजीशन हो गई थी टू, लेकिन इसके अंदर वैल्यू कितनी थी फोर, और सम में क्या था टू, तो टू फोर और टू कितना हो गया बेटा सिक्स हो गया। उसके बाद में फिर से काउंट की पोजीशन बढ़ी तो काउंट की पोजीशन हो गई थ्री, और यहाँ पे वैल्यू मैंने इनपुट की थी सिक्स, तो और पहले से काउंट सम की वैल्यू क्या थी सिक्स, तो सिक्स सिक्स कितना हो गया ट्वेल्व। उसके बाद फिर से काउंट फिर बढ़ा था, कि चौथी बार जब काउंट बढ़ा था काउंट की पोजीशन तो हो गई थी चार, लेकिन इस पे मैंने इनपुट किया था तीन यानी थ्री, और सम की वैल्यू कितनी थी ये ट्वेल्व, ट्वेल्व और थ्री कितना हो गया फिफ्टीन। तो फाइनली जब मैंने इसको प्रिंट कराया लूप, अब उसके बाद में अगर आगे स्टेप और देखें तो लूप कैसे फॉल्स होता है, फिर से वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पर फोर प्लस वन तो कितना होगा फाइव, तो फाइव हो गया। अब यहाँ पर फाइव लिख के कंडीशन माइंड से चेक करो, फाइव इज लेस देन
और इक्वल टू फोर, क्या फाइव फोर से छोटा या बराबर होता है? नहीं, दोनों बातें गलत हैं, तो लूप हमारा फॉल्स हो गया। अब ये जो हमारा कंट्रोल था वो इस सेक्शन के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हमारी वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? 15। यहाँ पर ये हमारा आंसर आएगा 15, हमारा रिजल्ट क्या आएगा 15 आएगा। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और हमारे टॉपिक का नाम था समेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स, तो हमने सेट ऑफ नंबर्स का एडिशन कर लिया, रिजल्ट भी आ गया। इस तरीके से मैंने आपको एल्गो और प्लस ये प्रोग्राम कोड किस तरीके से जनरेट किया जाएगा ये सारी चीज़ें बताई। बेहतर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे क्वेरी करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।